वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आज की अपनी नई वीडियो। मैं हूं संदीप बमोत्रा और आप देख रहे हैं बमोत्रा ब्लॉग। दोस्तों आज हम लाइव हो रही है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हम एक सरप्राइज होने जा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ले चलते हैं विराम, हमने लगाया थोड़ा सा काम, चलो चले हमारे साथ, आप लोग बड़े ब्लॉग के साथ। तो ये दोस्तों हमने पहले मंगवा ली है थोड़ी सी प्लाई, बस टाइगर लगा है सामने, बस अभी हम जाएंगे आगे, ऊपर बताते हैं आपको, कुछ काम चल रहा है सीढ़ियों से लेके नीचे जा रहे हैं ऊपर। मिट्टू जैस बोल रही है, इसके चल रहे हैं पेपर। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये है घर पे, ये है हमारे नरेंद्र जी, और यहाँ पे इन्होंने कुछ काट के रख लिए पीसीस। माइका यहाँ पे काटा हुआ है, ये देख सकते हो, ये है माइका। और ऐसे कुछ काम चल रहा है, आप जानते हो कि हमारा है कंप्यूटर सेंटर, तो बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कंप्यूटर सेंटर को, और ये काम चल रहा है। और ये हमारे साथ नरेंद्र जी के एक और सहयोगी है, हाँ जी, देखो कितने खुश हो रहे हैं, देखो हाथ में कटर पकड़ के कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, बॉश कंपनी का कटर ले, कटर के बिना काम नहीं करते ये, ठीक है। उनका नाम है मनीष, मनीष जी हैं, ये है जी डोडा से, तो डोडा वाले जो देख रहे हैं उनको भी, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं, कभी काम करना हो तो ये दोनों भाई साथ में ही काम करते हैं, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर डाल दूँगा सारा। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, तो अब तक के लिए बने रहो इस वीडियो में, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जरूरत पड़ चुकी है एक इंच के किल की, तो डिमांड आ गई है, अब हम जा रहे हैं एक इंच के किल लेने, चलते हैं लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको, तब तक ये अपना काम करते हैं। लो जी, एक नए दिन में शुरुआत है, आज जो उनके हेल्पर है वो आए नहीं है, आज आप हमें काम करवाना पड़ेगा। ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन की फोटेज देख रहे हो उसके बाद दूसरा दिन, तो अब चलते हैं, आज हम भी साथ लग के थोड़ा काम करवाते हैं और बताते हैं आपको कितना काम होगा कितना नहीं, तो बने रहो वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ये कल के हमारे ये सिस्टम बन के कुछ तैयार हो चुके हैं, ये देखिए, और यहाँ पे आज ये अकेले हैं, इनके साथ थोड़ा सा काम हम भी करवाएंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। ये नरेंद्र जी की डैल ही लग गए हंस रहे हैं तो जी अब चढ़ाएंगे हम प्लाई ऊपर, अब मुश्किल काम होगा। आस्ता आस्ता देखो कितने कष्ट से ऊपर प्लाई चढ़ा रही है, काम तो करना है इन्होंने, क्या करें, बड़ा मुश्किल काम है। संदीप मोहरा कैसे चढ़ा रहा है प्लाई ऊपर। तो जी चाय का टाइम हो गया, और देखो जी राजी बैठे हुए अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद बोर्ड रख दिए इधर, और फिर कटिंग होगी, ऐसे शेप बनेंगे, फिर बताएंगे आपको क्या पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या क्या मेजरमेंट है, कितना किस हिसाब से आपने कैबिन बनाने हैं, क्या नहीं है, किस पर्पज़ के लिए ये कैबिन है, सब कुछ बताया जाएगा आपको, तो बने रहना इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अब कटने जा रहा है हमारा माल, ये आगे करो करो आगे आगे आगे, अच्छा ये निशान लगा हुआ, बस अब देखो कटेगा, अब चलाएंगे ये अपनी मशीन, देखो पोज बना लिया इन्होंने,
बना के काट, इतना माल अभी एक साइड से काट के रेडी कर दिया, अभी दूसरा काटेंगे, अभी इनका हाफ ऑफ ऐसे इतना माल काटेंगे जैसे ये कटा हुआ ना, इस तरह से काटेंगे माल, फिर आपको बताएंगे किस तरह से काटेगा। और कुछ हमने स्लोमो वगैरह लिए हुए हैं वो भी देख लेना, कुछ टाइप स्लैप लिए हुए हैं काम करते हुए वो भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि मनीष तो है छुट्टी पे, हो गए हैं, किसी की डेथ हो गई वहाँ पे गए हुए, जब तक आएंगे तब तक हम ही हेल्पर हैं इनके, हम ही दिहाड़ी ले लेंगे आज। वो जो कटने जा रहा है ऊपर वाला मटीरियल, ये ऊपर वाला शेल्फ ये काट देंगे अलग से, ये देखो ये चली बॉश की मशीन, ये बन गई नीचे वाली शेल्फ काट दी ना, कितनी स्पीड में काम होता है इसके कारण, अगर हाथ से ही करना हो ये काम तो कम से कम 5 मिनट ले लेगा, 6 मिनट इधर 3-4 सेकंड के अंदर ही सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है। चलो जी अब काटते हैं, पहले ये सारा माल कटो, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। लो जी माल कट के रेडी हो गए, देखो ऐसे ऐसे पीसेस कटेंगे, 6-6 फुट के पीस काट दिए हमने, साइड 6 फुट होगी, 6 फिट के हिसाब से। अब आप इसमें से देख सकते हो कंप्यूटर सेंटर कैसे बनाया जाता है, तो पूरी वीडियो में देख बने रहना ताकि पता लगेगा कैसे कंप्यूटर में। मैडम उठ के अभी अभी रेडी हुई है, 12 बज गए अभी उठ रही है, बस अभी थोकने पीटने का काम होता है स्टार्ट, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ 2 मिनट में।